सो वेलकम टू सिग्नेचर ई कॉम सॉल्यूशंस। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट हैं जो हम ऑनलाइन सेल कर सकते हैं और क्या क्या प्रोडक्ट हैं जो हम ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट पे सेल नहीं कर सकते हैं। स्पेसिफिकली फॉर मीशो मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मीशो अभी नया मार्केट प्लेस है। बहुत सारी कैटेगरीज धीरे धीरे लिस्ट हो रही हैं और बहुत सारी कैटेगरीज अभी भी मीशो पे लिस्टेड होनी बाकी हैं। तो क्या आप नई कैटेगरी में जाके मीशो पे सेल अपनी इंक्रीज कर सकते हैं या नहीं, अन किस किस सेगमेंट में आप जा सकते हैं, इस वीडियो से आप अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो, दोबारा बोलूँगा सब्सक्राइब कर दो, रेड बटन है दबा दो, क्योंकि रेगुलर वीडियोस मिल जाएंगी आपको। और बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो और लाइक ज़रूर कर लो ताकि सब तक ये वीडियो पहुँच जाए। स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली वीडियो को। सो आज हम वीडियो में जानने वाले हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट हैं जो हम मीशो पे सेल नहीं कर सकते, राइट? सो जैसे आपने थंबनेल में भी देखा होगा, क्या आप वो प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, लाइक आप लिकर हो गया, टोबैको सिगरेट्स वगैरह हो गया, या फिर कोई डुप्लीकेट करेंसी हो गई, या फिर कोई गन वगैरह हो गई, बंदूक हो गई, तो इस तरीके की क्या चीज़ें आप बेच सकते हो या नहीं बेच सकते हो, तो वो उस पे हम आज बात करने वाले हैं। एंड उसके लिए हम डायरेक्ट मीशो का नोटिस निकालेंगे और उसके लिए हम जाएंगे सेटिंग में, सेटिंग के बाद हम जाएंगे लीगल पॉलिसीज़ में। लीगल पॉलिसी में हम प्रोहिबिटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी पे जाएंगे और नीचे आएंगे तो यहाँ से आपको लिस्ट मिल जाएगी, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो हम मीशो पे सेल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ड्रग एंड नारकोटिक्स, राइट? जो भी प्रोडक्ट अपना ड्रग के अंदर आता है और नारकोटिक्स के अंदर आता है, जिससे नशा होता है, वो प्रोडक्ट आप नहीं बेच सकते मीशो पे। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, सेल ऑफ एनी प्रिस्क्राइब ड्रग, कोई भी दवाई वगैरह जो कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी हुई है, या कोई भी ऐसी दवाई जो ऑथराइज नहीं है लॉ के अकॉर्डिंग, उसको आप सेल नहीं कर सकते। सेल ऑफ प्रोडक्ट विच में इन्फ्रिज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो ये हमने लास्ट वीडियोज़ में भी बताया था कि ऐसा प्रोडक्ट आप सेल नहीं कर सकते जिसका ऑलरेडी किसी ने कॉपीराइट या ट्रेडमार्क ले रखा हो, राइट? कोई ब्रांड होता है या फिर कोई भी प्रोडक्ट या डिज़ाइन हो सकता है। प्री पैक्ड प्रोडक्ट आप नहीं बेच सकते, क्योंकि लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट अभी आ गया है कि पैकिंग कौन कर रहा है एंड मैन्युफैक्चर कहाँ पे हो रहा है, प्रॉपर वो पॉलिसीज हैं अभी के टाइम पे। सो प्री पैक्ड प्रोडक्ट आप नहीं बेच सकते। सेल ऑफ प्रोडक्ट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ BIS, जो BIS एक्ट है, स्टैंडर्ड है इंडिया का, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इन जस्ट अ सेकेंड हम फुल फॉर्म देख लेते हैं, फुल फॉर्म में मैं बहुत ही बेकार हूँ। सो BIS का फुल फॉर्म हम देख लेते हैं यहाँ पे, ओके, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अब आप बोलेंगे सर को यार आता नहीं है ये चलो, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट है, अगर वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो वो भी प्रोडक्ट आप नहीं बेच सकते। सेल ऑफ स्पुरियस प्रोडक्ट हम इसे बोलेंगे, राइट? ऐसे प्रोडक्ट भी आप मीशो पे नहीं बेच सकते। सेल ऑफ रेप्लिका एंड काउंटरफीट, इस पे भी हमने कुछ पॉइंट्स पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जिससे आपके प्रोडक्ट ब्लॉक भी हो सकते हैं करके हमने एक वीडियो बनाई थी। तो आप ऐसे प्रोडक्ट नहीं बेच सकते जो डुप्लीकेट हो या किसी का कॉपी हो, राइट? सेल ऑफ पोर्नोग्राफिक एंड एक्सप्लिसिट मटीरियल कंटेंट, कुछ ऐसा कंटेंट जो पोर्नोग्राफिक कंटेंट हो गया, 18+ कंटेंट हो गया, उस तरीके की चीज़ें आप नहीं बेच सकते। सेल ऑफ एनी एडल्ट प्रोडक्ट, कोई भी एडल्ट प्रोडक्ट सेम है, ये भी आप नहीं बेच सकते, राइट? एंड उसके बाद है सेल ऑफ प्रमोशनल सैंपल्स फ्री ऑफ कॉस्ट, लाइक आप कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं बेच सकते, मान के चलिए आपको किसी के साथ कोई फ्री मिला, आपने वो बेच दिया, या प्रमोशनल सैंपल जो किसी भी फैक्ट्री में बनते हैं शुरू में सैंपल वो, या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोडक्ट, इस तरीके की चीज़ें आप नहीं बेच सकते। सेल ऑफ प्रोहिबिटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट इन दी कंट्रावेंशन ऑफ इम्पोर्ट, इम्पोर्ट पॉलिसी है जो इंडिया की, उसके अगेंस्ट जो अगर प्रोडक्ट जाता है तो आप नहीं बेच सकते। टोबैको प्रोडक्ट, इससे रिलेटेड, टोबैको से, सिगरेट से रिलेटेड प्रोडक्ट आप नहीं बेच सकते। प्लस एडल्ट्रेटेड एंड रॉटन प्रोडक्ट, सड़े हुए हो गया या फिर मिलावटी प्रोडक्ट, ये भी आप नहीं बेच सकते। एनिमल से, जानवरों की, जैसे स्किन हो गई, टीथ हो गई, नेल्स हो गए, इन सब से बना हुआ या इन सब, ये प्रोडक्ट आप मीशो पे लिस्ट नहीं कर सकते। सेल ऑफ लिकर एंड एल्कोहलिक दारू वगैरह, ये सब नहीं बेच सकते। प्रोडक्ट प्रोक्योर्ड बाई इंडलजेंस इन इलीगल एक्टिविटीज़ से, अगर आपने कोई प्रोडक्ट कहीं से इंपोर्ट कराया है तो उसको आप नहीं बेच सकते। प्रोडक्ट हजार्डियस टू हेल्थ,
हेल्थ के लिए जो चीज़ ख़राब हो वो आप नहीं बेच सकते। सेल ऑफ एनी पायरोटेक्निक डिवाइस, एक्सप्लोसिव आप समझ गए होंगे, बॉम्ब वगैरह हो गया, फायरवर्क हो गया, पटाखे वगैरह, ये आप नहीं बेच सकते। सेल ऑफ एनी फायर आर्म्स, एम्यूनेशन एंड वेपन, बंदूक हो गया वगैरह, बंदूक से रिलेटेड छोटी गन हो गई, कट्टा हो गया, ये सब आप नहीं बेच सकते। सेल ऑफ करेंसी इंक्लूडिंग ओल्ड करेंसी वगैरह आप नहीं बेच सकते। सेल ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज, स्टॉक, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, ये सब आप नहीं लिस्ट कर सकते। प्रोडक्ट कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन, ऐसे प्रोडक्ट जिनमें किसी को नीचा दिखाया गया हो, कोई किसी की मजाक उड़ाया गया हो, चाहे वो रिलीजन हो, ओरिजिन हो, सेक्स हो, फैक्टर कोई भी हो, तो उन प्रोडक्ट को, या फिर कोई प्रोडक्ट जो हेट्रेड फैला रहा हो समाज में, या फिर कोई प्रोडक्ट जो वायलेंस को बढ़ावा दे रहा हो, ऐसे प्रोडक्ट को आप लिस्ट नहीं कर सकते। 23rd पॉइंट पे आते हैं, प्रोडक्ट नॉट कन्फर्मिंग द स्टैंडर्ड रेगुलेशन प्रिस्क्राइब। फूड सेफ्टी जो एक्ट है फ्लिपकार्ट का, अगर फूड सेफ्टी के अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट नहीं जा रहा है, तो फिर वैसे आप एडिबल आइटम भी नहीं लिस्ट कर सकते। स्पेसिफाइड प्लांट्स प्रोटेक्टेड अंडर वाइल्ड लाइफ, तो देखिए प्लांट्स वगैरह तो लिस्ट होते हैं, गार्डनिंग टूल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, लेकिन जो वाइल्ड लाइफ एक्ट के हिसाब से कोई प्रोडक्ट ऐसा है, सॉरी कोई प्लांट ऐसा है जो प्रोटेक्टेड है, मतलब बहुत रेयर है, वो आप नहीं बेच सकते, राइट। उसके बाद सेल ऑफ कार्डमम नॉट अकॉर्डिंग, तो स्पाइस बोर्ड है, एक्ट है इंडिया का, उसमें मसाले वगैरह का, तो उसके हिसाब से आप कुछ ऐसे भी मसाले हैं जिनको आप नहीं बेच सकते। उसके बाद प्रोडक्ट जो कि मतलब पकाए गए हों कोई अलग तरीके से, मतलब जो ऑर्गेनिक तरीके से नहीं, इनऑर्गेनिक तरीके से पकाए गए हों किसी भी तरीके से, और फिट नहीं है ह्यूमन बॉडी के लिए खाने के लिए, तो वो ऐसी चीज़ें आप नहीं बेच सकते। सेल ऑफ टी, ये भी मना किया गया है, चाय हो गई, ये नहीं बेच सकते। उसके बाद सेल ऑफ प्रोडक्ट बियरिंग फॉल्स ग्रेड प्रिस्क्रिप्शन काउंटरफीट सच मार्क वायलेशन ऑफ एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का भी कुछ रूल्स है, तो एग्रीकल्चरल कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो फॉल्स ग्रेड में आते हैं, वो भी आप नहीं बेच सकते। प्रोडक्ट इम्पोर्टेड और ट्रांसपोर्टेड इन कंट्रावेंशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट, एक एक्ट है इंडिया का डिस्ट्रक्टिव पेस्ट एंड इंसेक्ट्स एंड पेस्ट, तो ये पेस्टिसाइड वगैरह हो गया जो खेतों में डालते हैं, और अगर उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो भी आप नहीं बेच सकते। प्रोडक्ट रिलीज बाई गवर्नमेंट वेयर हाउस फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सरकार खाना वाना बांटती है या कुछ भी ऐसी चीज़ बांटती है, उसको आप नहीं बेच सकते। प्रोडक्ट इम्पोर्टेड और सोल्ड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोसीडर एस्टैब्लिश अंडर लॉ, तो ऑब्वियसली जो लॉ के अगेंस्ट है उसको भी आप सेल नहीं कर सकते। तो यार देखो सीधी सी बात है, क्योंकि बहुत सारे मुझसे पूछते हैं अभी के टाइम में बहुत सारे सेलर की, सर कुछ नया प्रोडक्ट लिस्ट करना है मीशो पे, बहुत सारी कैटेगरीज अभी नहीं आई, तो क्या हम नई कैटेगरी में सेल कर सकते हैं क्या, या हमारे पास ये प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट है? तो देखिए अगर इन ये 31 रूल्स हैं, 31 तो पूरा मेरे हिसाब से कुछ रिपीटेड भी हैं बहुत सारे, बट एटलीस्ट 20 लॉज इसमें रूल्स ऐसे हैं जो फॉलो करने लायक हैं, तो उनको आप फॉलो करिए। और अगर वो प्रोडक्ट आप लिस्ट करने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ मत करिए, क्योंकि अगर एक बार के लिए लिस्ट हो भी गया किसी भी तरीके से, QC पास हो गया, क्योंकि QC पॉलिसी मीशो की बहुत वीक है, तो उसके बावजूद भी कुछ टाइम बाद आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, तो अकाउंट ब्लॉक भी हो सकता है अगर लिस्ट कर दिया, और वैसे तो लिस्ट करने नहीं दिया जाएगा आपको। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रही होगी, हेल्पफुल रही है तो यार एक कमेंट छोड़ के जाओ कुछ भी, नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊं, और लाइक कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। कोई भी हेल्प के रिगार्डिंग ऑनलाइन बिजनेस, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। टिल देन थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑनलाइन।